अंतर्गत 12,000 रुपए शुल्क चुकाने पर भी नहीं दी जा रही संपूर्ण जानकारी, जबकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है रतनलाल। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित निवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा ब्लॉक में सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई थी जानकारी, जिसके लिए 12,000 रुपए शुल्क भी लिया गया। उसके बावजूद भी आवेदक को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक को आवेदन दे चुका है शिकायत। आवेदन और तो और CM हेल्पलाइन पर भी कर चुका है शिकायत। उसके बावजूद भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभी तक संपूर्ण जानकारी आवेदक को नहीं हो पाई है प्राप्त। मुख्य बात यह है कि आवेदक अपनी ग्राम पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहता था, जबकि आवेदक के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। उसके बावजूद भी आवेदक से 12,000 रुपए शुल्क वसूला गया। ताज़ा खबरों के लिए बन रही है UVN 08। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल है सर। कौन से गांव के निवासी हैं आप? तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ ग्राम मोई पंचायत नारिया पे। पंचायत नारिया पे? हाँ सर। तो क्या समस्या है आपकी? सर हमारे गांव में ना तो कोई RCC हो रही और ना कोई गरीब लोगों को ना PM आवास मिल रहा, ना किसी को वृद्ध पेंशन आवास मिल रहा। बहुत सारी समस्या है हमारे गांव में। क्या क्या बताया आपको, क्या नहीं बताया? मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा वंचित है सरकारी योजनाओं से। तो मैंने सरपंच सचिव से कहा कि ठीक है भाई, तुम भ्रष्टाचार अधिक बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये कुछ सार्वजनिक काम है ये तो करो। PM आवास में तुम मनमाना लूट रहे हो गरीब के लोगों को, लेकिन ये जो जनहित का काम है, लोक जन कल्याण हित का, ये सीसी खरंजा वगैरह ये तो करो, तो बार बार मना कर देगा। हमारे पास कोई राशि नहीं है। तो मैंने सूचना के तहत उनसे जानकारी मांगी साहब। अच्छा, कि मुझे हाईवे की जानकारी बताओ शासकीय। आपके पास पावती वगैरह है क्या? हाँ है ना सर। बताओ, बताओ कैसे? ये सूचना के तहत मैंने जानकारी मांगी ली उनसे। मैंने सूचना के तहत जानकारी ली तो उन्होंने मुझसे एक ये पत्र दिया कि आप 11,912 रुपये जमा करो, आपको एक एक जानकारी दी जाएगी। जबकि साहब मेरा गरीबी रेखा में नाम है, राशन कार्ड है, BPL में, फिर भी 11,912 रुपये मुझसे लिया गया। आपने BPL का कार्ड है आपके पास? BPL का कार्ड है सर। आपने बताया उनको कार्ड? मैंने बताया कि मैं BPL धारी हूँ। कार्ड बताया आपने? हाँ कार्ड बताया ना मैंने। अच्छा, मेरा ये नंबर वंबर सब लिखा हुआ सर उसमें BPL का। तो कितने पैसे जमा कराया आपसे? 11,912 रुपये। उसके बावजूद? हाँ, ये मुझे लिखित में दिया, मैंने मुझ पर जमा करवाया, फिर उन्होंने मुझे ये लिखित नकदी पैसे नहीं लिए, वो ना जाने क्या शंका हुई उनको, तो मेरे को उनके पंचायत के खाता नंबर लिख के दिया है, तो जाओ बैंक में जमा करके आओ, हमारे खाते में पैसे आ जाएगा। तो मैंने इस खाते नंबर में इस तारीख को मैंने जमा किया। तो सचिव ने आपको खाता नंबर दिया? खाता नंबर दिया। किसका खाता नंबर दिया? सचिव ने खाता नंबर दिया। खाता नंबर? क्या नाम है सचिव का? जितेंद्र शर्मा। फिर आपने पेमेंट कहाँ डाला? पेमेंट मैंने बैंक में जाके डाला, उन्होंने वो बैंक का नाम बोला उसमें। जो खाते नंबर दिया उसमें आपने पेमेंट डाला? हाँ, और उनके पास पेमेंट डाला आपने? 11,912 रुपये। ठीक, जिसके बाद में उन्होंने